दोस्तों, अगर आपके पास स्टेट बैंक का खाता है और दोस्तों जब आप अपने खाते से ट्रांजैक्शन करते हैं, जैसे आप पैसा भेजना चाहते हैं किसी को, या फिर पैसा जमा करते हैं, या फिर पैसा निकालते हैं, या फिर और कोई बात होती है जैसे, तो आपको दोस्तों जैसे SMS के थ्रू आपको मैसेज नहीं मिल पाता है, तो आज के इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपना SMS अलर्ट चालू करेंगे, वो भी नेट बैंकिंग की सहायता से। तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो पर, देखिए और सीखिए। साथ ही साथ दोस्तों, इस वीडियो को देख के अच्छा लगता है तो एक लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों पूरा इस वीडियो को वॉच करिए। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद से सर्च बॉक्स में आप टाइप करेंगे ऑनलाइन SBI। ऑनलाइन SBI टाइप करके आपको सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद से दोस्तों देखिए, फर्स्ट लिंक ये आ रहा है, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का फर्स्ट लिंक है, ये ऑफिशियल लिंक है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद से देखिए पर्सनल बैंकिंग का ऑप्शन आ रहा है, इस वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद से दोस्तों देखिए यहाँ पे मैसेज दे रहा है कि आपको OTP बेस आपको लॉगिन करना है, तो यहाँ पे कंटिन्यू टू लॉगिन वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद से उसके बाद से आपको यहाँ पे अपना यूज़र नेम डालना है और अपना पासवर्ड, जो नेट बैंकिंग का पासवर्ड आपने सेट किया हुआ है वो पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड डालने के बाद से जो ये कैप्चा लिखा हुआ है उसको इस बॉक्स में आपको फिल कर लेना है। फिल करने के बाद से लॉगिन वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए इतना कर लेते हैं। ऐसे आपको जैसे आप लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे OTP आएगा। OTP आपको यहाँ पे डालना है इस बॉक्स में। डालने के बाद से यहाँ सबमिट वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद से दोस्तों इस तरह से आपका पोर्टल खुल जाएगा, आपका नेट बैंकिंग जो है आपका पोर्टल है वो आपका खुल जाएगा। खुलने के बाद से दोस्तों आपको देखिए सिंपली आपको ई सर्विसेज वाले बटन पे आपको यहाँ पे जो मार्क दिखा हुआ है इस पे आपको आना है। आने के बाद से दोस्तों आपको देखिए नीचे आपका आ रहा है SMS अलर्ट सर्विसेज, इस वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद से आपके इसके नए पोर्टल पे आप चले जाएंगे, SMS वाले आपके पोर्टल पे आप आ जाएंगे। देखिए दोस्तों हम आ गए हैं इस वाले पेज पे। यहाँ पे देखिए SMS अलर्ट रजिस्ट्रेशन या अपडेशन का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से आपको अपना खाता या दिखा रहा है, खाता को आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद से यहाँ पे प्रोसीड वाला बटन आपको दिख रहा है, इस वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों क्लिक करेंगे तो आप नए इंटरफेस पे आ जाएंगे। देखिए इस तरह का इंटरफेस आ रहा है। यहाँ से दोस्तों आप अपने हिसाब से अपना अपडेट कर सकते हैं, अपना चेंजेस कर सकते हैं, जो भी करना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए अकाउंट नंबर शो कर रहा है, यहाँ से आपको क्या, जैसे आप अपना देखिए यहाँ पे दे रहा है, अगर आप अपना चेकबुक रिक्वेस्ट स्टॉप करना चाहते हैं तो आप क्या उसका मैसेज चाहते हैं, यस या नो। यहाँ से अगर यस चाहते हैं तो यस पे क्लिक करेंगे, नो करना चाहते हैं नो पे। तो दोस्तों हमें यस पे ही रखना है, हमें उसका अलर्ट चाहिए तो इस यस वाले बटन पे क्लिक करना है। ऐसे यहाँ पे देखिए डेबिट कार्ड से अगर कोई ऑनलाइन परचेज करते हैं कुछ भी, तो आपका उसका अलर्ट चाहिए आपको कि नहीं वो पूछ रहा है, तो आपको भी यहाँ से फिर से आपको यस या नो करना है। जैसे आपको अगर चाहिए तो यस पे करना है, नहीं चाहिए तो नो पे क्लिक कर देना है। दोस्तों हमको चाहिए तो यस पे क्लिक करेंगे। सेम दोस्तों इसी तरीके से सारा प्रोसेस आपको करना है। देखिए इस तरह से जो भी आपको लिखा हुआ आप समझ लेंगे। होल्ड ऑन अकाउंट, जैसे आपके खाता में अगर होल्ड लग जाता है तो यहाँ पे भी आपको अगर उसका अलर्ट चाहिए तो आपको यस वाले बटन पे क्लिक करना है। ऐसे ही आप अपना जो है अगर ATM पिन जनरेट करना चाहते हैं या चेकबुक इशू करना चाहते हैं, कुछ भी आप करना चाहते हैं उसका अगर अलर्ट चाहिए तो आपको यस वाले बटन पे आपको क्लिक करना है। और दोस्तों जैसे आप अपना यहाँ से यहाँ दिखा रहा है अकाउंट, यहाँ पे क्रेडिट, जैसे आपका अगर खाते में अगर कोई भी अमाउंट जो 5,000 से ऊपर अगर आता है तो आपके मोबाइल पे अलर्ट मिले या ना मिले वो आपको सेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मिनिमम यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है, मिनिमम 5,000 तक आपका है। अगर यहाँ से जैसे आप जैसे 5,000 के ऊपर आपके खाते में अगर ऐड होता है तो आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा कि आपके खाते में इतना पैसा आपके खाते में जमा हो गया है। वैसे सेम इधर है कि अगर आप 5,000 से अधिक आप निकालते हैं तो भी आपको अलर्ट मिलेगा कि हाँ आपके खाते से इतना पैसा निकल गया है। दोस्तों आपको यहाँ से जैसे दिखा रहा है कि अकाउंट बैलेंस फेल्स बिलो सेट लिमिट, मतलब आपका जैसे आपका 1,00,000 से अधिक आप या 1,00,000 से कम है आपका अगर ट्रांजेक्शन कर रहे हैं अगर फेल हो जाता है तो आपको तुरंत आपको SMS अलर्ट के थ्रू आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अगर तो आपको जैसे आपका इस सारा है आपको सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद से जो ये अपडेट वाला बटन है आपको अपडेट वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका SMS अलर्ट अपडेट हो जाएगा। तो दोस्तों ये था पूरा कंप्लीट तरीका जिसमें मैंने आपको बताया और सिखाया कि कैसे आप अपना SMS अलर्ट चालू करेंगे और ऑनलाइन नेट बैंकिंग के थ्रू। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें।